हाउस बिल में शेतवारा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अफला टीवी की जानिब से आपका मेज़बान इफ्तार अहमद गौरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हलका PP7 की सूरत हाल के हवाले से तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और जो रिज़ल्ट जो अभी तक नहीं अनाउंस हुआ। कर्नल शबीर अवान साहब जो कि नामजद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दो दिन गुजर चुके हैं, अवामी इलाका के साथ साथ वर्कर्स जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का शिकार हैं। अभी जो सूरत हाल है उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम वसल्लम या कना बदो या कना साइन। देखिए, जब से इलेक्शन ये प्रोसेस शुरू हुआ, ये RO और DRO बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, ये बिल्कुल ऑफेंसिव हैं, हमारे साथ नॉन कोऑपरेटिव हैं। दूसरी बात यह है कि ये जब रिज़ल्ट ये 236 पोलिंग स्टेशन पर पहुँचा तो आपकी पार्टी में 3,800 वोट से जीत रहे थे। अचानक जो है वो RTS बंद हो गया और मैंने इनको बार बार रिक्वेस्ट की है RO को कि मुझे साथ बैठने दें और बेशक राजा सीर का जो और कोई रैप है उसको भी बिठाएं और हम देखें कि आप यहाँ पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अंदर जगह ही नहीं है। ये कोई बात ना ही कि एक कुर्सी के लिए जगह नहीं है। फिर इन्होंने किया, फिर आप देखें कि 265 जब पोलिंग स्टेशन आए तो उसमें मेरी लीड थी 265 वोट्स और लास्ट जो पोलिंग स्टेशन इन्होंने किया वो था बघार शरीफ, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जो है वो बघार शरीफ, वो लास्ट उन्होंने किया है। बघार शरीफ यहाँ से 8-10 किलोमीटर पे, अगर स्वेड़ी और नला खैरा और दूर से रिज़ल्ट आ सकते हैं, इस रिज़ल्ट को क्यों रोका उन्होंने। और वहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला भी देखेंगे, उसमें जहली वोट भी पड़े और उसमें उन लोगों की वोट पड़े जो इस दुनिया में नहीं है अभी तक। और इंशाल्लाह ताला अभी देखें, उस दिन हमने एप्लीकेशन दी है उनको कि हमारी रिकाउंटिंग करें तो वो भी RO ने रिजेक्ट कर दिया है। हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने आज डायरेक्शन दे दी है, कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें 10 बजे हेयरिंग है और उन्होंने इनको रोक दिया कि कोई आपने नोटिफिकेशन नहीं करना है, कोई आगे प्रोसीड नहीं करना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये जो PP7 का इलेक्शन है ये इमरान खान के नज़रिए की जीत है, आप लोगों की जीत है, मेरी भी जीत है, लेकिन आप लोगों की जीत है और इंशाल्लाह ताला हम इसको एंड लगाएंगे और किसी चोर गुंडे को जो है हम यहाँ पे नुमाइंदगी का हक नहीं देंगे। हम शरीफ लोग हैं और हमारी जो नुमाइंदा होगा वो भी शरीफ होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल आप फिक्र ना करें, मैं एंड लगाऊंगा इनका इनके साथ इंशाल्लाह ताला। सर यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी बात आप कह रहे हैं कि जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको मजीद आगे जो प्रोसीडम करेंगे उसको लेकर चलेंगे, तो अब तरीक़ाकार क्या होगा, आवाम को आप क्या मैसेज देंगे, अब तरीक़ाकार क्या होगा जहाँ से जो क्लैरी जो ट्रांसपेरेंसी है वो सामने आ जाए। देखिए, तरीक़ाकार ये होगा कि कल इलेक्शन कमीशन के सामने हमारी हेयरिंग है और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो 266 पोलिंग जो हैं स्टेशन के बैग वो खुलें और दोबारा काउंटिंग हो और उसमें देखें कि इसमें कोई गफलत नहीं है। क्योंकि एक और ऑफिशियल एजेंसी ने, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसने रिज़ल्ट कंपाइल किया और उसमें मैं जीत रहा हूँ और वही जो हमने इनको दी है RO को कि ये अपनी कैलकुलेशन भी देखो और इसको भी देखो। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि ये आदमी जो है बिहेव नहीं कर रहा है और इसको बाहर से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ये जी जी करके बंद कर देता है। और मैं डिमांड करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि इसके फ़ोन की फ्रेंसिक करें और देखें कि किस किस की कॉलें आई हैं। जब बीच में आदमी बिजी होता है, हमें फ़ोन करने की सुनने की इजाज़त नहीं है इसके ऑफिस में, ये फ़ोन सुनता है और बार बार कहता है जी 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 और बंद कर देता है। इसके फ़ोन की फ्रेंसिक होनी चाहिए कि इसको कौन डायरेक्शन दे रहा है। यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और हमारे सामने होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ साहब कि अभी गुलाम मुर्तज़ा सत्ती साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे मिले थे, उन्होंने कहा कि कुछ वोट्स जो हैं रिजेक्टेड वोट्स में इन्होंने देखा था कि कुछ जो है वो थम इंप्रेशन के साथ और कुछ जो है वो प्रॉपर टैग के साथ हैं जो कि उन्होंने मोहर दी गई थी। जो बैलेट पेपर के ऊपर जो निशान लगता है वो अंगूठे का हो या मोहर का हो, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि वोटर की इंटेंशन देखनी पड़ती है, वोटर का इरादा देखना पड़ता है कि वोटर किसको वोट दे रहा है। अगर दूसरे के अगर अंगूठा लगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमारे भी जो अंगूठे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक एक्सेप्ट होंगे और उसमें हम बहुत बेहतर जा रहे हैं। अफला टीवी को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसके साथ साथ जो है इसको लाइक कीजिए। अपने मेज़बान इफ्तार अहमद गौरी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।